तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अभी देख रहे हैं हम लोग राजगीर सफारी के पास आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग अपना घर आए हुए हैं। घर वाले तो मान गए, देखो मेरी सिस्टर है सुरभि और निशा, हम दोनों मिलकर जा रहे हैं, तीनों मिलकर के राजगीर सफारी घूमने के लिए। तो देखिए कैसे होता है घूमना फिरना, एवरीथिंग वी विल शो यू, ठीक है? तो इसलिए वीडियो में कंटिन्यू ही रहना, अगर जो नए हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। बाकी चलिए अंदर जा करके दिखाते हैं। भाई देखिए ये रहा व्यू, थोड़ा सा दिखा दे रहा आपको। बाकी इधर देखो, पता नहीं कहाँ से एंट्री है, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। सामने रोड है, रोड के ही बगल में, तो चलिए दिखाएंगे अंदर जाके। तो टिकट हो गया कंफर्म, मतलब ग्लास। तो फाइनली हम लोगों का जू सफारी का टिकट कर। देखिए राहुल आ रहे हैं अभी, हम लोग जा रहे हैं अभी जू सफारी घूमने के लिए। तो आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहना, और हम लोग जू सफारी अब जाने ही वाले हैं। ये देखो एंट्री है, ये यहाँ का क्या कितना सुंदर सुंदर बगीचा है, बहुत प्यारा प्यारा नजारा सब। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं, ये रहा हमारा टिकट कंफर्म हो गया भाई। खैर ये तो क्या बोलता है, चिड़िया करते तो बढ़िया है भाई दिल्ली का, वो तो कटता ही नहीं है, कम से कम ऑफलाइन भी मिल रहा है, ऑनलाइन। हाँ दिल्ली में जब हम लोग जू गए थे तो वहाँ तो कट ही नहीं रहा था वहाँ का चिड़ियाघर। क्यों नहीं कटता, थोड़ा सा पैसा देकर के बुकिंग, वो ब्लैक में सेल करते हैं टिकट्स को। चलो कोई नहीं, इधर फोटो वोटो लेंगे और अंदर जाएंगे घूमेंगे। तो अब यहाँ का नजारा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे मन कर रहा है, वैसे अब देखो मुझे मन कर रहा है यहाँ पे कुछ अपनी शॉर्ट्स वीडियोस थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहना, ठीक है? इधर उधर का व्यू आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए दिखाता हूँ घूम घूम करके। ये रही निशा, इधर रही सुरभि, और ये देखो बिल्कुल जंगल जंगल टाइप का दिख रहा है। शायद यही जंगल में बाघ वाघ मिलेगा यार, देख लो सामने बाघ है। तो देखिए क्या होता है, दिखाते हैं आप लोगों को, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जा करके। अब देखिए अंदर क्या होता है भाई, घर आने के बाद तो मस्ती हो रही फिलहाल, पर दिखाएंगे अब अंदर जा करके। नहीं आप फोटो वोटो लेंगे, जानवर है यहाँ से। ओ भाई देख लो इधर, मतलब जानवर उमर का बना दिया फिलहाल के लिए स्टैचू है। ये देखिए निशा है, हम लोग जा रहे हैं अंदर देखने के लिए, तो दिखाएंगे एवरीथिंग आप लोगों को अंदर चल के, ठीक है? तो वीडियो में ऐसे ही बने रहना दोस्तों। बुद्ध भगवान का स्टैचू बना रखा है, तो यहाँ भी फोटो वोटो खिंचाएंगे एक दो, देखिए कैसा आता है फोटो। और फिर अंदर चलिएगा, अंदर का पूरा व्यू, अंदर वहाँ से एंट्री है, तो वहाँ से जा करके आप लोगों को दिखाएंगे। मैं ये कह रहा था टिकट तो हम लोगों का ग्लास ब्रिज का नहीं कट पाया भाई, वो बहुत ज़्यादा जल्दी बुकिंग हो जाता है। बोला 6 बजे सुबह में आओ, मिल जाएगा टिकट, या फिर ऑनलाइन कटाओ। तो देखता हूँ रात में, अगर जो ऑनलाइन कट गया तो कल भी आ जाएंगे घूमने के लिए, है कि नहीं निशा? सब कुछ तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग तो जा रहे हैं म्यूजियम देखने के लिए, तो वो म्यूजियम दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ से देखिए एंट्री है, हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, सामने निशा रही उधर आ रही है, और दिखाते हैं आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है? चलिए इधर देखिए नज़ारा सही लग रहा है, शायद अंदर म्यूजियम है, तो पहले म्यूजियम देखेंगे उसके बाद सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल तो हम लोगों को पहले बस टिकट लेना पड़ेगा, तभी ना अंदर जाएगा चिड़ियाघर घुमाने के लिए, मतलब वो जू घुमाने के लिए, अकेले थोड़ी ना भेज देगा, खा जाएगा जानवर ही। तो काउंटर नंबर 1 से मिल रहा है बस टिकट, तो पहले ले लेते हैं, रुकिए। यहाँ से एंट्री जो है मतलब अंदर म्यूजियम के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम में टिकट दे करके, तो चलिए अंदर। लोगों का बस का तो टिकट हो गया, मतलब टोटल जोड़ा जाए तो 300 रुपये एक आदमी पे पड़ा है, 3 आदमी 900 रुपये हो गया, जोड़ लो देख लो टिकट है हमारा, नहीं 900 रुपये नहीं 300 रुपये, 100 रुपये वहाँ लिया था, 150 रुपये यहाँ, यानी कि 450 और 300, 750 रुपये। फिलहाल म्यूजियम अंदर का है व्यू, मतलब म्यूजियम का व्यू दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये राजगीर से, राजगीर के निशा की तरह देखो, निशा फोटो वोटो खींच रही है, आप लोग देखते चलिए म्यूजियम फिलहाल दिखा देते हैं, और बाकी अंदर चल के दिखाएंगे। जा रहे हैं हम लोग, इधर ही है ना भैया, इधर ही है ना सफारी। चलिए ठीक है भैया, 12-1 के बीच में दिया गया। अच्छा अभी कितना टाइम हुआ है भैया, देख लेता हूँ। हो चुका है किसको? 12:15 अभी, और निशा जा रही है इस साइड से, तो एक्साइटेड है भाई, टाइम भी ज़्यादा लेट हो गया, 12:01 का दिया है ना, 12:01 ही है, और भी नहीं, मतलब हमारा स्लॉट जो है 12:01 है। तो देखिए अंदर चलते चलिए दिखाएंगे बाकी, तो जल्दी चलिए, हमारा बस वहाँ लगा हुआ है ना निशु, साला 12:15 भी हो गया, पता नहीं 45 मिनट में जानवर उनवर आएगा कि नहीं आएगा, कोई अता पता तो है नहीं, पर डर भी लग रहा है यार भाई, फर्स्ट टाइम ऐसा वाला जा रहा हूँ, ठीक है? देखता हूँ साला बाघ वाघ इधर उधर घूमते रहता हूँ, गाड़ी से ले जाता है, कम से कम हमारा गाड़ी पैक रहेगा ऐसा तो सुनने में आए, देखते हैं बाकी चल करके वहाँ, पैक नहीं रहेगा तो जाएंगे भी नहीं घूमने। डर रहा है कि कहीं शीशा ना तोड़ दे जानवर, डर लग रहा है तुम्हें सुरभि? हाँ। क्या डर लग रहा है बताओ? शीशा
शेर कहीं शीशा न तोड़ के हम लोगों को खा जाए। अरे किसी को कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, इतना इजी थोड़ी है, गाड़ी तो जाता है बिना पैक वाला, जो तो कुछ होता ही नहीं। अरे वाह, जय कृष्ण भगवान। यहाँ भगवान जी का देखिए मूर्ति है, फोटो मतलब बनाया हुआ। और चलिए जल्दी चलते हैं, निशा निशा को बाघ को दे देंगे, बड़ी हमसे लड़ती है, इसको बाघ को दे देंगे निकाल करके गाड़ी से तुम्हें। तो चलिए यहाँ से लगता है एंट्री है, तो देखिए एंट्री करवाते हैं, 12 वाला टाइम है मेरा, जल्दी से। तो यहाँ तो हम लोग अब गाड़ी के करीब है बिल्कुल। हाँ तो देखिए हम लोग गाड़ी के करीब पहुँच चुके हैं, सब पे चलो जल्दी से बैठते हैं, भगवान करे आगे ही बैठ जाए भाई, मजा। चलो अब जानवर उनवर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओ भाई उधर देखो और सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, हमारी गाड़ी तो आगे जा रहे हैं हम लोग, तो चलते चलिए भैया जी इधर, हम लोग को गाइड करते चलते चलेंगे, बताते चलेंगे। देखिएगा अभी हम लोग 5 जोन में चलेंगे, अच्छा सफारी जोन में चलेंगे, शुरुआत हम लोग मांसाहारी से करने वाले हैं, अच्छा टाइगर जोन से स्टार्ट करेंगे, बाघ से स्टार्ट करेंगे सर, और टाइगर से घूमने के बाद फिर हम लोग चलेंगे लायन जोन में, शेर में चलेंगे। टाइगर और लायन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर, तो फिर हम लोग चलेंगे लेपर्ड जोन में, तेंदुआ में चलेंगे। तो ये 3 जोन सबसे पहले हम लोग घूमने वाले हैं एक करके, और ये तीनों घूमने के बाद फिर हम लोग चलेंगे ओमनिवोरस में, भालू में चलेंगे, और लास्ट में हम लोग चलेंगे डियर जोन में चलेंगे सर, हिरन में चलेंगे। तो कुल मिलाकर 5 सफारी जोन घूमने वाले हैं सर, और इस पूरे 5 सफारी जोन में आप लोग अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को ऑफ रखिएगा, फोटो क्लिक कीजिएगा सर, वीडियो लीजिएगा, पर उसके फ्लैश लाइट को ऑफ रखना है। और नेचर हैबिटेट में देखना चाहते हैं उनको, एक उनको नेचर एनवायरमेंट फील करवाना चाहते हैं, तो एरिया बड़े देने पड़ते हैं, और जब एरिया बड़े देने पड़ते हैं तो जानवर कहीं भी हो सकते हैं, आपके बस के करीब भी हो सकते हैं और आपके बस से दूर भी हो सकते हैं। 100% ये भी श्योर नहीं है सर कि जानवर दिखाई देंगे, इसलिए आप लोग अंदर जाने के बाद सर कहीं भी जानवर दिखाई दे ना तो एक बार बता दीजिएगा, ताकि हम गाड़ी को रोक के आपको अच्छी तरह से दिखा सकें, अगर हमें भी दिखेगा तो हम भी गाड़ी को रोक लेंगे। तो सामने गेट एग्जिट हो रहा है, खुल रहा है, अंदर जाएंगे हम लोग। ये पूरा हमारा सफारी लगभग में सर 472 एकड़ में फैला हुआ है, 472 एकड़ में पूरा सफारी हमारा फैला हुआ है, और इधर में जो पहाड़ दिख रहा है सर, इस पहाड़ को बहवार गिरी बोलते हैं, और पीछे जो पहाड़ है इस पहाड़ को हम लोग स्वर्णगिरी बोलते हैं, तो इन दोनों पहाड़ों के बीच में हमारा सफारी बना हुआ है, और इसी बहवार गिरी पहाड़ से ब्रह्म कुंड की जो गर्म धाराएं निकलती है ना, इसी अच्छा, पहाड़ से निकलती इधर वाले में। और इसी पहाड़ पे जब गौतम बुद्ध की देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था राजा आजाद शत्रु के समय में, उन्होंने ही करवाए थे इसी पहाड़ पे, पहला बौद्ध धर्म का परिचय करवाए थे। अभी हम लोग टाइगर जोन में इंटर कर चुके सर, और हम लोग को जो टाइगर अच्छा। दिखेंगे ना व्हाइट टाइगर्स दिखेंगे, अच्छा उजली बाघिन दिखेगी, जिसको हम लोग हैदराबाद से लाए हैं, और हैदराबाद में ही 5 लोगों को खा कर आए। ओ भाई मैनीटर टाइगर से मैनीटर, तो टाइगर दिखने के दौरान सर ना तो आप कांच पे लदिएगा और ना ही कांच को टोकिएगा, अच्छा मतलब रोजाना जंगल में इनको 30 केजी चाहिए भोजन, अगर 30 केजी रोजाना इनको भोजन ना भी मिले ना, तो ये सरवाइव करने के लिए मछली पकड़ के भी कुछ दिनों तक खा कर भी सरवाइव कर सकते हैं, इतने चाहिए सुमर होते हैं। ऑरेंज वाले बंगाल टाइगर है, अच्छा और एक व्हाइट वाले टाइगर है, पर ये जो एरिया टाइगर के लिए दिख रहा है लगभग में 49 एकड़ का एरिया है सर, हमारे लिए 49 एकड़ बहुत बड़ा है सर, लेकिन टाइगर के लिए 49 एकड़ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एवरेज है। टाइगर को कम से कम 60 किलोमीटर स्क्वायर से रखे 100 किलोमीटर स्क्वायर के लिए चाहिए, मोटा मोटी जितने में हमारा जूस बाग बना है ना 472 एकड़ में, उसमें केवल एक बाघ रहना पसंद करते हैं। ओ भाई वही देखो भाई टाइगर, तो देखिए यहाँ टाइगर जो है रेस्ट कर रहा है, देखिए तो सो रही है निशा, देखी पानी उसके लिए वहाँ रखा हुआ। अच्छा ये पानी आप लोग भरते हैं या फिर खुद लाग भर रही है? हम लोग भरते हैं। तो वहाँ बाहर निकलते तो आप लोग को कोई इशू नहीं होता? नहीं, ये सब खाने के लिए, ये इनका फीडिंग जोन है। अच्छा जब ये खाने के लिए अंदर जाती है ना शाम के टाइम पे, अच्छा तो रात में इनको हम लोग रोक लेते, स्टे कर लेते, फिर जीप में वापस छोड़ने से पहले जगह जगह हम कंटेनर में पानी फिलअप कर देते हैं। चलिए ताकि यहाँ पर पानी इसलिए रखते ना सर, ताकि बीच में ये बैठे नहीं, अगर बीच में बैठ जाए तो फिर दिखाई नहीं, लेकिन पानी के लालच से ये कहीं साइड में बैठे तो हमें इजीली हम लोग को इजीली देखे। जैसे ये शाम में खाने के लिए जाएगी तो अगले दिन एक हम लोग ऑरेंज बंगाल टाइगर को छोड़ देंगे सर, जिसका नाम हम लोग अर्जुन रखे हुए हैं, अर्जुन। हाँ फिर जब अर्जुन खाने के लिए अंदर आएंगे तो फिर अगले दिन भीमा को छोड़ेंगे। ओ भाई तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, चलते चलते चलिए दिखाएंगे एवरीथिंग। अभी तो एक देख लिया आपने व्हाइट टाइगर को, अब देख ये है लायन सफारी, देखिए एंट्री कर रहे हैं अब हम लोग लायन वाले। इसमें क्या को बकरा बकरी छोड़ते हैं कि नहीं? ये पैदेशी शिकारी।
शेर है सर, जिसमें से दो मेल है, एक मेल का नाम हम लोग जरासंध रखे हुए हैं, जरासंध मगध के राजा के नाम पे जरासंध रखे हुए हैं, दूसरे शेर का नाम दारा रखे हुए हैं, दारा। बाकी तीन शेरनी है, एक का नाम रानी है, एक का नाम शिखा, एक का नाम कावेरी है। अब एक बात बताइएगा सर कि झुंड में शेर और शेरनी दोनों रहना पसंद करते हैं तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होते हैं, लायन या लायनेस? 90% शिकार लायनेस ही करती है, शेर थोड़े आलसी होते हैं, मतलब गाड़ी रुका हुआ है वहां होगा शायद। वे। अच्छा तो इसका बाल नहीं होता अभी ऐसे? ये शेरनी के नहीं होता सर, शेर का होता है। मार के देख लीजिए बस, और आगे भैया देखो, नजदीक से लगा रहे हैं, देखो लायन सामने देख लो, पीछे पीछे आगे। ओ भाई गजब, उन्होंने दिखाया। इसका नाम शिखा है, शिखा। एक पीछे थोड़ा सा गाड़ी बैक कीजिएगा ना उदेश भैया, तो पीछे देखिए एक जेब, पीछे सोया हुआ गिरा हुआ। अच्छा दिखाइए पीछे कीजिए भैया। ओ भाई देखिए सामने सोई हुई, देखिए तो टोटल अभी तक तीन जानवर हम लोग देख लिए है ना, दो शेरनी को और एक बाघ को, व्हाइट वाले शेर को। सोई थे ना एक दो महीने के अंदर है, दोनों अढ़ाई साल का, तीन साल के सर। और इनका जो लाइफ स्पेन होता है जंगलों में 18 years होता है, 18 साल होता है। और एक शेर उधर सोया हुआ देखिए। ओ भाई दोनों एक इधर, एक इधर एक उधर। हाँ पास नहीं जा सकते भैया, पास नहीं जा पाएंगे सर, नीचे गड्ढा है, जाते पास लेकिन पीछे गड्ढा है। पीछे से नहीं दिख रहा सर, दो दो करके आगे आके देख लीजिए सामने है। हाँ दोनों एक ही पास है, दोनों वही है। अरे एक उसको ऊपर है, वो तो मेल है ना जो इधर सोया है। हाँ, एक वहाँ है और एक यहाँ है। कोई डोमिनेट करता है ना सर, तो एक फीमेल है रानी है, वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है इस ग्रुप में, उसके बाद जरा सा भी करते। धीरे धीरे करके हम लोग नीचे ही जा रहे हैं लगता है भैया, चलेंगे सर। और हमारे पास सबसे ज्यादा अगर टफ होता है सर किसी को ढूंढना, तो तेंदुआ पोता, क्योंकि तेंदुआ पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं और उनका बॉडी कलर जो होता है ना कैमोफ्लेज हो जाते हैं, एक तो साइज उनका ज्यादा बड़ा नहीं होता सर, कहीं भी बैठ जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ बैठे हुए। अच्छा एक बात बताइएगा, लेपर्ड और चीता में अंतर क्या, कैसे फिजिकल अपीयरेंस से पहचानेंगे कौन चीता है कौन तेंदुआ? क्या जब भी शिकार करेंगे तो वो अपने जानवरों को चेस करते हैं, दौड़ के मारना पसंद करते हैं, इसलिए सर आप लोग सुनते होंगे कि शहर में भी तेंदुआ चले आते हैं। हाँ भैया। और शहर में आने का कारण क्या रहता है, इनको कुत्ते खाना बहुत पसंद आता है। अच्छा तो कुत्ते खाने के लिए शहर में चले आते हैं। फीडिंग जोन है, इसी गेट के द्वारा ये अंदर इंटर होते हैं, बाहर निकलता है। अच्छा ये है लेपर्ड ना? हाँ। अभी ये अंदर इजीली क्लोज दिख जाए, विजिबल हो गया उस साइड से, इधर से दिख रहा है, यहाँ से दिखेगा ना लेपर्ड, थोड़ा सा दिखा था ना। ये सब छोड़ दीजिए, भालू का नेचर में रोल क्या सर, इनको जब बचा रहे हैं तो इनको रखना क्यों जरूरी है? जैसे हर एक एनिमल का नेचर में कुछ ना कुछ रोल होता है, तो भालू का क्या नेचर रोल है? एंड जो टर्माइट्स का रूम में संग्रह को कंट्रोल किया, लेकिन अलग से फूड इनको देते हैं, भोला को खीर खाना बहुत पसंद है। आगे पीछे से दो दो करके आने दीजिए सर, आपस में गेट जो है खोल रहा है, अब देखते चलिए। जिनके भी सिंग दिखेंगे ना वो मेल होंगे, और जिनके सिंग नहीं होंगे वो फीमेल होगी।
ये तो ये सब हिरन कहीं से लाए या राजगीर का ही है हिरन? ये स्पॉटेड डियर हमारे पास से राजगीर राजगीर का ही है ना? वही तो स्पॉटेड डियर को पहचाने कैसे? इनके गोल्डन कोट होते हैं, सुनहरी बॉडी पे उछले धब्बे होते हैं, इसलिए इनको स्पॉटेड डियर बोलते हैं सर। या फिर इनको चीतल हिरन बोलते हैं, चीतल हाँ चीतल होता है, या फिर इनको स्वर्ण मृग बोलते हैं। वो कितना बड़ा है सर वहाँ? जो झाड़ी बांस के अंदर दिख रहा है ना सर, पूरे भारत का सबसे बड़ा हिरन पूरे सांभर बोलते हैं सर, सांभर। आगे जब बढ़ाएंगे ना गाड़ी सर तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये डियर देखिए, जो सामने लाल जैसा दिख रहा है छोटा सा, ये तो स्पॉटेड पहचान गए सर, ये स्पॉटेड डियर है। अच्छा, लेकिन ये बार्किंग डियर इनको कहते हैं। जब भी इनको खतरा महसूस होता है ना तो ये कुत्ते की तरफ बार्क करते हैं, अलार्म कॉल जो होता है कुत्ते की तरफ भौंकने की तरह होता है, इसलिए इनको बार्किंग डियर या हिंदी में काकड़ हिरन बोलते हैं। बड़ा इधर था भारत में सर, पूरे भारत उपमहाद्वीप मतलब बांग्लादेश श्रीलंका इन सभी में सबसे बड़े हिरन ये रहा इस साइड से। ये तो लग रहा है बिल्कुल गाय है, लेरू हो गया। नीलगाय नहीं सर, नीलगाय अगर दिखेंगे तो हम आपको नीलगाय दिखाएंगे। इस टाइप का लग रहा है, हाँ लग रहे हैं उसी टाइप सर, लेकिन इसको बेवकूफ हिरन बोलते हैं सर। एक तो साइज बड़ा सर, तो टाइगर इनको ज्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये ब्लैक बक है सर, इसी का और उसके फीमेल है सर, ब्लैक बक शिकार किया था। और राजस्थान के बिश्नोई समाज के लोग इनको पूजते हैं और इनको संरक्षण करते हैं, और बुद्धिज्म लोग इनको देखना शुभ मानते सर, बुद्धिस्ट लोग इनको देखना शुभ मानते हैं। और चीता के बाद सबसे तेज अगर दौड़ने वाले कोई लैंड पर है सर तो यही है, सबसे तेज दौड़ ब्लैक बक। तो पांच जोन हम लोग घूम लिए हैं और अब उतरने वाले हैं, जहाँ तक ये हम लोग सफारी को और इम्प्रूव कर रहे हैं। देखिए बर्ड्स के लिए भी हम लोग अवेली बना रहे हैं, मतलब बर्ड्स के लिए एक एरिया बहुत बड़े एरिया होंगे सर, पटना जू की तरह एक छोटा सा एरिया नहीं होंगे, एक बड़ा सा एरिया होंगे जिसमें हम लोग बर्ड्स से इंटरेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया लगा भाई आपका गाइडेंस, वी आर वेरी इंप्रेस्ड विद यू। तो फाइनली तो हम लोग घूम करके आ चुके हैं, निशा वगैरह भी देखिए फ्रेश होकर के आ गई, तो इस गेट से हम लोग घूम करके आए हैं। आप लोग देखे ही होंगे कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आप लोगों को, तो तुम इधर आओ सुरभि, निशा तुम बताओ कैसा लगा घूम घाम करके, तो कैसा लगा ये सफारी देख करके? लायन देखे, टाइगर देखे, हिरन देखे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पैसा वसूल हो गया भाई, मतलब 250-250 रुपये पड़ा एक बंदा पे, मतलब तीन थे हम लोग तो जोड़ लो 750-750 रुपये पड़ा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर जो आप लोग को भी अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ सबसे ज़्यादा खास बात ये था कि हम लोग जिस बस में बैठे हुए थे वहाँ हम लोग को एक भैया थे जो हम लोग को गाइड कर रहे थे, आप लोग को जो वीडियो दिखाया हम लोग को बता रहे थे, समझा रहे थे कि ये इसका क्या है, कितने खाना देते हैं, कैसे सब कुछ उनके बारे में हम लोगों को बताया गया, हर एक एनिमल्स के बारे में हम लोगों को बताया बिल्कुल गया। बढ़िया से एक्सप्लेन में समझाया हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा घूम करके। अगर जो आगे कुछ ऐसा कुछ दिखा पाते हैं तो ज़रूर वो भी व्यू दिखाए देंगे, और बाकी वीडियो बना रहना। अगर जो यही एंड हो जाता तो एंड हो जाएगा, अदरवाइज देखिए अगर जो आगे का सीन कुछ रहा। लगता है ये 3D म्यूजियम है क्या? 3D एक म्यूजियम था अंदर में, बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल हम लोगों का क्लियर आ रहा है भाई, मतलब क्या बताऊँ, बिल्कुल अजब ही लग रहा है बोल रहा हूँ। तो आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ पूरा व्यू, ठीक है? आ जाओ निशा, देखो इधर रही निशा, इधर देखिए बिल्कुल 3D म्यूजियम का व्यू दिखा रहे हैं, देखिए अगर निशा विशा, ओ भाई बिल्कुल ऐसी वैसी लगा हुआ, मस्त है यार। तो देखिए ये जो है 3D म्यूजियम, तो राजगीर में यार 250 रुपया लगाने पे बढ़िया चीज़ है घूमने के लिए, देख रहे हो पूरा। यहाँ देखिए सामने मतलब ओशन बायोस्कोप, मतलब लगता है अंदर का लाइफ दिखाएगा वाटर के अंदर का। तो देखिए और वीडियो में बने रहे भाई लोग, हम ना भूल गए थे कि यहाँ भी 3D म्यूजियम, कहाँ एक ही म्यूजियम देखे वही समझ गए कि 3D म्यूजियम दिखा दिया, पर एक और है 3D म्यूजियम जो कि लास्ट में दिखा आ रहे थे तब, अब वो देखो हो गया प्रोग्राम चालू, तो आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा रहे हैं, देखिए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है? चालीसा है जो फिर से कर दिया लाइट चालू, पता नहीं क्यों फिर से हुआ है लाइट, तो सोचे अभी बता देते आप लोगों को, ठीक है? एक बात बताना चाहेंगे कि किसी से पूछ करके भी आ जाना 3D म्यूजियम एंट्री पॉइंट पे, ये ध्यान रखना म्यूजियम है ये, बहुत यहाँ का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा देखने में, शांति शांति सा, हम ही तीनों मिल करके हल्ला कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ प्रोग्राम हो गया चालू, देख लो दोस्तों। निकलेंगे तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और राजगीर घूमने जरूर आना अगर जो आप लोग बिहार से हो, बिहार के करीब से हो, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जय हिंद।